हम पढ़ रहे थे पावर ट्रांसमिशन। लेक्चर 8 में आपने किया था कि सिंपल गियर ट्रेन कौन सी होती है और कंपाउंड गियर ट्रेन कौन सी होती है और रिवर्टेड गियर ट्रेन कौन सी होती है, ये आपने लेक्चर 8 में पढ़ा था। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे लास्ट जो था उसके अंदर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स कौन सी होती हैं जिसके अंदर आपको दो तरीके के मोशन मिल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे मोशन उससे लेना चाहते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का एग्जांपल बनाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, दो गियर्स होते हैं जो आपस में मैच होते हैं। ठीक है, यहां पर होता है एक गियर। ये गियर जो होता है ये कनेक्टेड होता है किसी सेकंड गियर के साथ। ठीक है, अनदर गियर के साथ कनेक्टेड होता है। वो इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो गियर जो है इसके साथ मैच में होता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं इससे बड़ा गियर बना रहा हूं। ठीक है, इस गियर का डायग्राम आपकी बुक में है, अच्छे से देख लेना उसको। ठीक है, और अच्छे से बना लेना फिर से। ठीक है, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पे एक आर्म लगी रहती है। ठीक है, वो आर्म इन दोनों को कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब इन दोनों को यहां पे जकड़े रखने के लिए, अपनी जगह पे स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, ये आर्म यहां पे फिट कर दी जाती है। अब ध्यान देना, अब यहां पे रोटेशन किस प्रकार की, अब यहां पे दोनों के ऊपर टीथ है, दोनों गियर्स के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे इसके ऊपर भी है टीथ, वो एक दूसरे के साथ मैच में है, मतलब कि ये दोनों गियर है। ठीक है, गियर तो समझते हो, दोनों के ऊपर एक सर्कुलर डिस्क जिसके ऊपर टीथ बने हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनल में गियर के ऊपर पूरे के ऊपर ऐसे ऐसे टीथ बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरे इसके सरफेस के ऊपर ऐसे टीथ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक गियर का सर्कमफेरेंस है, उसका बाहर वाला एरिया है। ठीक है, ऐसे ही ये ऐसे टीथ तो इस गियर के ऊपर बने हुए हैं, इधर वाले के ऊपर गियर ए, और सेम टू सेम गियर बी के ऊपर बने हुए हैं, वो इसके साथ मैच में है। ठीक है, ऐसे करके और ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे के साथ मैच में है। ये गियर टू है, बी गियर, गियर बी, और ये गियर ए है। ठीक है, ए गियर, बी गियर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मैच में है। अब जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, अगर मैं आर्म को फिक्स कर दूं, आर्म ए बी, ए बी आर्म है, अगर मैं आर्म ए बी को फिक्स कर दूं, तो अगर मैं ए को रोटेट करवाऊंगा तो बी भी रोटेट होगा, बी उसी उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर मैं ए को, आर्म को मैंने फिक्स कर दिया, आर्म मूव नहीं कर रही किसी भी तरफ, ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रही,
आर्म को मैंने फिक्स कर दिया है, पकड़ के रख लिया आर्म को, तो अगर मैं ए को गियर को ऐसे घुमाऊंगा तो बी गियर ऐसे घूमेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ए गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो बी गियर इस डायरेक्शन में घूमेगा। अगर ए गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये उल्टी, मतलब कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बी गियर। अगर ये ए गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बी गियर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैंने आर्म को फिक्स कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट तो इसको ऐसे लिया जा सकता है कि अगर ये आर्म फिक्स कर दी जाए, और दूसरा क्या है, अगर मैंने क्या कर दिया, गियर बी को फिक्स कर दिया, ठीक है, ए को फिक्स कर दिया नहीं, तो गियर ए को मैंने क्या कर दिया, रोटेट नहीं होना गियर ए ने, ए गियर ने अगर रोटेट नहीं होना और ये आर्म मूव कर रही है, तो जैसे आर्म मूव करेगी ऐसे पूरा यहां पे पूरे इसके ऊपर आर्म जो है ऐसे सर्कुलर चक्कर लगा सकती है ऐसे करके, ठीक है, पूरे सरफेस के ऊपर। तो जब आर्म मूव करेगी ऐसे करके, ठीक है, तो ये गियर अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होगा, ठीक है। ये गियर तो फिक्स है, ए गियर मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ए गियर को फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब क्या है, आर्म को मूव होना है, ये जो ए और बी को आर्म मिलाई हुई थी वो आर्म, जब ये रोटेट करेगी आर्म तो ये टीथ यहाँ पे अटैच है मैश में है, ये तो नहीं निकल सकता, ये अपनी एक्सिस पर रहेगा और ये आगे वाला टीथ यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे वाला टीथ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये रोटेट होता रहेगा गियर अपने एक्सिस के अबाउट, यहां से ये गियर ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा और आर्म जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होती रहेगी, ठीक है। तो इससे दो तरीके के ऐसे करके गियर ट्रेन्स बनाई जा सकती हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लो ये गियर ए था, ये गियर बी, ठीक है, इसको मान लो ओ वन सेंटर ऑफ ए गियर, इसको मान लो ओ टू सेंटर ऑफ सेकंड गियर, ठीक है, और जो आपकी आर्म है उसको नाम दे दिया सी, पूरी आर्म को क्या नाम दे दिया, आर्म सी, ठीक है, ऐसे करके इसको नाम दे दिया। अब पढ़ते हैं कि ये क्या है, गियर ए एंड आर्म सी हैव ए कॉमन एक्सिस ओवन, ओवन एक्सिस है दोनों की, ठीक है, सेंटर दोनों का ओवन है और इसका गियर आर्म ए एंड बी दोनों का ओ टू सेंटर है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेंगे its axis on the arm O2 about which gear B can rotate. If the arm is fixed, the gear train is simple. अगर कहते arm को fix कर दिया तो simple gear train बन गई, अगर एक को move करवाया तो दूसरा उससे उल्टी direction में move करेगा, तो ये simple gear train बन गई है, ठीक है। और अगर B को वो करवाया, ठीक है, rotate करवाया, तो वो A को rotate करवाएगा। If the gear A is fixed and arm is rotated about its axis of arm A, then the gear B is forced to rotate upon its own axis. अगर कहते A gear को fix करके अगर arm को घुमाया जाए तो B gear force हो जाएगा कि अपनी axis के about उसको rotate होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का motion जो अपने को मिलेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, is called epicyclic, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस मोशन को क्या बोलते हैं कि अपने जो आर्म है वो भी घूम रही है और ये जो है ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिसाइक्लिक, ठीक है, ये बात, ये गियर, ठीक है। इसके बारे में सारी थ्योरी जो है आपकी बुक में लिखी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। इसको अगर आप यूज कहां करते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल, अगर आपको रोटेशन देखो ध्यान दो कि अगर आपको आर्म की रोटेशन चाहिए, ठीक है, और जहां कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको जो मोशन है उसको बढ़ाना है या कम करना है और एरिया आपके पास बहुत कम है, तब भी ऐसे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये सिंपल गियर ट्रेन भी बन सकती है और एपिसाइक्लिक भी, ठीक है। तो इसी मोशन को क्या कहते हैं, एपिसाइक्लिक मोशन कहते हैं। जब अगर मैं गियर ए को फिक्स कर दूं, आर्म रोटेट हो, आर्म सी, तो गियर बी जो है, अब गियर ए तो फिक्स था, गियर बी को अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमना पड़ रहा है और आर्म के साथ साथ आगे भी बढ़ना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं एपिसाइक्लिक, ठीक है। तो ये आपने कर लिया है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन।
तो ये गियर ट्रेन चार तरीके की थी, सिंपल गियर ट्रेन जिसके अंदर दो गियर आपस में मैच हो और एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर हो। दूसरा आपा ने किया था कंपाउंड गियर ट्रेन जिसके अंदर एक किसी एक शाफ्ट के ऊपर दो गियर्स हो, ठीक है। और तीसरा आपा ने किया था रिवर्टेड गियर ट्रेन, जब गियर फर्स्ट और गियर लास्ट जो है वो एक्सिस में हो, कोइंसाइड हो, उसको कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि उन दोनों की एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आपा ने किया लास्ट एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, जिसके अंदर अगर मैं गियर ए को फिक्स कर दूं और आर्म को रोटेट करवाऊं तो गियर बी फोर्स हो जाएगा अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए, और अगर मैं आर्म को गियर बी को रोटेट करवाऊंगा तो आर्म फोर्स हो जाएगी इसके चारों ओर घूमने के लिए। गियर ए फिक्स है, अगर गियर बी को घुमाऊं तो आर्म फोर्स हो जाएगी चारों तरफ घूमने के लिए। तो ये कौन सा मोशन है? एपिसाइक्लिक मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आप कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पिच, ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर एंड पिच क्या होती है, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो गियर के अंदर दोनों गियर्स की डिस्क होती हैं, वो थोड़ी सी एक दूसरे के साथ मैच में कनेक्ट में नहीं आती, ठीक है, वो थोड़ी सी एक दूसरे से दूरी पर रहती हैं। गियर के टीथ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मैच में आते हैं, ध्यान देना। अगर दो गियर्स हैं, एक ये वाला गियर, ठीक है, एक इसके साथ कोई और गियर है यहां पे, ठीक है, ये आपस में थोड़ी सी दूरी पर रहती हैं, डिस्क जो उसकी, जिससे डिस्क जो इसकी ओरिजिनल डिस्क है वो थोड़ी सी दूरी पर रहती हैं, तो एक दूसरे के साथ टच में क्या आता है, इसके टीथ, ठीक है, इस गियर के टीथ। और इस गियर के टीथ, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या आते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोनों के अंदर सारे पूरे सर्कमफेरेंस के ऊपर गियर होंगे, टीथ होंगे, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ टच में आ रहे होंगे, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर चारों तरफ, ठीक है। अब ये जो टीथ होते हैं ये आपस में टच में आते हैं, इन टीथ के ऊपर एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि इसके सेंटर पॉइंट के साथ आके टच होता है। मतलब कि एक गियर का सेंटर पॉइंट और दूसरे गियर का सेंटर पॉइंट एक दूसरे के साथ टच में आते हैं, उसको बोलते हैं पिच सर्कल, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी सर्कल विच बाय प्योर रोलिंग एक्शन वुड प्रोड्यूस सेम मोशन एट द बोथ गियर्स। मान लो यहां पे इसका सेंटर पॉइंट, उसके ऊपर अगर डिस्क बना दी जाए एक, और इसका सेंटर पॉइंट उसके ऊपर डिस्क बना दी जाए एक, तो ये दोनों आपस में टच होएंगी, ठीक है, यहीं पे प्योर रोलिंग मोशन, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर टच होना, ठीक है, यहां पे एक दूसरे के ऊपर टच हो रहे हैं, मतलब कि दोनों टीथ का सेंटर पॉइंट जहां पे इस गियर क्या का भी जो सेंटर पॉइंट वही है इस गियर का भी, और दोनों एक दूसरे के साथ टच में होंगे, टच होगा इनका, ठीक है, एक जगह पर कॉन्टेक्ट होगा, यहीं पे रोलिंग एक्शन, मतलब कि एक दूसरे के साथ अगर ये डिस्क होती तो ये पिच सर्कल के ऊपर बनी होती। अगर ये दोनों सेम साइज की, जितना ये गियर साइज है उतनी डिस्क होती, टीथ ना होते, तो वो पिच सर्कल के ऊपर बना होता वो सर्कल, ठीक है, उनका जो उनका साइज है वो पिच सर्कल के अबाउट होता, उसको बोलते हैं पिच सर्कल, ठीक है। पिच सर्कल के बारे में पढ़ लेना, और उसका डायमीटर जो फाइंड करना हो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक टोटल जो डिस्क थी जो आपने कहा था यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, उसका अगर डायमीटर देखे तो वो क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो ये पिच सर्कल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है, और सर्कुलर पिच जो होती है फर्स्ट गियर के सेम पॉइंट से टीथ के सेकंड टीथ के सेम पॉइंट तक, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर,
कि पिच सर्कल क्या होती है, सर्कुलर पिच क्या होती है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोग, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बेल्ट के ऊपर है न्यूमेरिकल, कहते कि ए लेदर बेल्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 7.5 वाट, जो पावर दे रखी है वो 7.5 किलो वाट दे रखी है, इज इक्वल टू 7500 वाट, ठीक है, वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है फॉर ए पुली 1.2 मीटर इन डायमीटर, 1.2 मीटर डायमीटर दे रखा है, d इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। रनिंग एट 250 आरपीएम, आरपीएम कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ स्पीड n, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले फिर से पढ़ते हैं, लेदर बेल्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 7.5 किलोवाट फ्रॉम ए पुली 1.2 मीटर इन डायमीटर रनिंग एट 250 n, दे रखा है 250 आरपीएम। सिंपल एन दे रखा है, एक ही पुली के ऊपर वर्क करना है पानी, आरपीएम दे रखी है, ठीक है, 250। नेक्स्ट उसने दे रखा है, कहता द एंगल एम्ब्रेस्ड इज 165 डिग्री एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.3। एंगल दे रखा है जो पुली और बेल्ट के बीच में बन रहा है, थीटा दे रखा है, थीटा एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री, थीटा एंगल दे रखा है आपको। और दूसरा क्या दे रखा है उसने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.3, ठीक है, ये भी दे रखा है। नेक्स्ट आगे क्या बता रहा है, बिटवीन इट इज इफ द सेम वर्किंग स्ट्रेस फॉर द लेदर बेल्ट इज 1.5 मेगा पास्कल, सिग्मा दे रखा है इज इक्वल टू 1.5 मेगा पास्कल, ठीक है। तो कहते हैं मेगा पास्कल को अपन न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 इनटू 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देते हैं, सेम ही है सिग्मा जो है वो इतना आ गया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लेदर बेल्ट इज 1 मेगाग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मेगाग्राम दे रखी है डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको अपन 1 × 10⁻⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। और किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 रह जाएगा, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम ही है ये। उसके बाद आपका और क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं, थिकनेस ऑफ बेल्ट इज 10 mm, सारी चीजें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, thickness is equal to 10 mm is equal to 0.0010, ठीक है, यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे आप इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं, ठीक है, 0. ये लास्ट वाली जीरो तो कटी जाएगी, ठीक है, 0.01 मीटर जो है आपकी क्या आ गई, ये लेंथ आ गई इसकी, सॉरी थिकनेस आ गई, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, आप ध्यान दो, इसने पूछा क्या है, सबसे पहले डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द बेल्ट, थिकनेस दे रखी है, कहते विड्थ निकालनी है, ठीक है, विड्थ कितनी होगी बेल्ट की। तो विड्थ निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, अपने को विड्थ पूछ रखी है इसने, ठीक है, ये अपन न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपको इसके अंदर फॉर्मूले जो पुट होते हैं कैसे वर्क करते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पावर पूछ लिया जाए कि पावर कितनी है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है इसके लिए बेल्ट के लिए, टेंशन इन टाइट साइड एंड टेंशन इन स्लैक साइड, T1 T2 निकालने का फॉर्मूला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, 2.3 log
इज इक्वल टू टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, ये ब्रैकेट में होता है, इंटू म्यू इंटू थीटा, ठीक है, म्यू इंटू थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है, सॉरी ये लो इस तरह, इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी पूरी वर्किंग के लिए, 2.3 इंटू लॉग T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा, ठीक है, यहाँ पे अपने को T1 और T2 दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है, इससे आप T1 T2 निकाल सकते हैं, टेंशन इन टाइट साइड एंड टेंशन इन स्लैक साइड, बेल्ट के मामले में अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को दो इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है, एक से तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेशो आ जाएगी, ये तो इक्वेशन वन हो जाएगा, और दूसरी जो आपकी होती है जिसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, तो पावर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला क्या कहता है, इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इनटू V वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले से भी आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे T1 T2, अब ये दोनों के अंदर आप कंपेयर करके फिर निकलेगी T1 T2, यहाँ पे आपको T1 भी नहीं पता, टेंशन कहीं नहीं दे रखी T1, T2 टेंशन भी कहीं नहीं दे रखी, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर कर देंगे तो आपकी टेंशन यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो एक फार्मूला हो गया टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा इसने पूछा हो सकता है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, जहाँ पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ना, वेलोसिटी भी नहीं दे रखी आपको, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60, पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60 मतलब कि अगर आपको डायमीटर दे रखा है पुली का, ठीक है, डायमीटर दे रखा है आपको, और आपको नंबर ऑफ रोटेशन दे रखा है 250 रोटेशन, ये भी दे रखा है, और बाकी सारी चीजें आपने यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेनी है, अगर आपको वेलोसिटी यहां पे फाइंड आउट हो गई, वेलोसिटी आप यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है, उससे T1 T2 की रेशो मिल जाएगी आपको, पावर आपको पता है, पावर दे रखी है इसके अंदर, पावर इज इक्वल टू 70 जो आपको 7500 जो आपको दे रखा है, ठीक है, तो पावर यहाँ पे पुट कर दोगे, T1 T2 यहाँ से आपको रेशो मिल जाएगी, और इस फार्मूला से भी T1 T2 की रेशो मिल जाएगी, तो दोनों फार्मूलों को आपस में कंपेयर करके आपको क्या मिल जाएगा, T1 भी मिल जाएगा टेंशन इन टाइट साइड एंड T2 भी फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद इन दोनों फार्मूला से आप उसकी थिकनेस निकालेंगे, ठीक है, ऐसे करके आप इसकी जो है इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपका कंप्लीट, ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, पहले ये फार्मूलाज जो है इसको याद कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, और नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, थैंक यू।